तो फ्रेंड्स, आज हम पॉपकॉर्न बनाने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पॉपकॉर्न हम बना लेते हैं लेकिन उसके नीचे जो मक्के के काफी दाने हैं वो रह जाते हैं, उसके पॉपकॉर्न नहीं बन पाते हैं। उसकी भी मैं खास ट्रिक आपको बताऊंगी। ये सबसे पहले हमने एक कटोरी मक्की ले ली है, जो पॉपकॉर्न वाली मक्की हमें मार्केट से मिल जाती है, लूज भी मिल जाती है और पैकेट वाली भी मिल जाती है। तो इसको हम मक्खन के साथ बनाएंगे, घर का मक्खन है। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा देसी घी का यूज करना है ताकि मक्खन हमारा कढ़ाई में जल नहीं जाए। एक चम्मच देसी घी डाल देना हमने। देसी घी गर्म हो चुका है, अब एक बड़ा चम्मच हमने मक्खन डाल देना है। देसी घी इसलिए डाला है क्योंकि मक्खन है वो कढ़ाई के नीचे जल जाता है तो वो टेस्ट नहीं आ पाता। फिल्टर जैसे हम पॉपकॉर्न घर पे बनाएंगे, इस मक्खन को थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब मक्खन मेल्ट हो रहा है, इसमें हमने मक्की डाल देनी है। एक भी दाना आपका खराब नहीं होगा बल्कि पॉपकॉर्न खिले खिले बनेंगे। एक चम्मच हमने नमक डाल देना है, आधा चम्मच के करीब हल्दी डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल ये मक्की के दाने हैं वो मक्खन और घी में बिल्कुल डूब जाने चाहिए, बिल्कुल कोटेड हो जाने चाहिए। अगर हम कम डालते हैं तो वो दाने अच्छी तरह से नहीं बन पाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि मक्की है जो, चाहे आप देसी घी में बना रहे हैं या रिफाइंड में बना रहे हो या फिर मक्खन में, क्योंकि मक्खन में स्पेशली इसलिए बनाते हैं कि बच्चों का पसंदीदा फूड है तो मक्खन हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो इस तरह से हमने इसको ढक देना है। तो अब आवाज आनी शुरू हो चुकी है पॉपकॉर्न के बनने की। तो प्लेट अपने आप ऊपर उठनी शुरू हो चुकी है, देखिए एक एक दाना हमारा खिलके बन रहा है। तो ये देखिए पॉपकॉर्न बिल्कुल बनके कढ़ाई हमारी भर चुकी है। तो चलिए अब इनको सर्व कर देते हैं। तो बिल्कुल एक एक दाना हमारा, एक कटोरी हमने ये मक्की डाली थी, एक एक दाना हमारा ये पॉपकॉर्न का बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। तो बिल्कुल मसालेदार ये पॉपकॉर्न हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। आप भी इसे अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि जो मक्की के दाने हैं हमारे पूरे मक्खन और घी में डिप होने चाहिए, तो पूरे खिले खिले ये पॉपकॉर्न बनके रेडी हो जाते हैं।